मलेरिया के प्रकोप से लोगों को बचाने दुर्ग जिले में मलेरिया रोधी माह का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली को रवाना किया गया। दुर्ग में मलेरिया के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए दुर्ग जिले में मलेरिया रोधी माह का शुभारंभ बुधवार को किया गया, जिसका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से शुभारंभ किया गया। इस दौरान एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली को मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा फील्ड कर्मचारी शामिल हुए। शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के पश्चात ये रैली पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर आकर संपन्न हुई। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मलेरिया के प्रति जागरूकता के नारे भी लगाए। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी JP मेश्राम ने बताया कि मलेरिया रोधी माह के दौरान जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि मलेरिया तथा डेंगू के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हर बार जैसे ही बरसात आने लगती है उसके पहले हम मलेरिया रोधी माह मनाते हैं। तो हमने इस बार भी जो है वो 1 जून से 30 जून तक का मलेरिया माह शासन के निर्देशानुसार मनाने का निर्णय लिया है, और शासन की मंशा अनुरूप ही हम जो है वो इसके लिए रैली निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने घरों में मच्छरदानी के अंदर सोएं और अपने घरों के आसपास जितना वातावरण उसको साफ सुथरा रखें, पानी जमा होने ना दें ताकि मच्छर जो है पनप ना पाए, और मच्छरों से मलेरिया होता है और अन्य कई सारी बीमारी भी होती है जैसे डेंगू भी होता है। तो इस तरीके के मच्छरों से जब तक हम बचेंगे उस तो हम मलेरिया से हम अपने आप को मुक्त पाएंगे। साल भर में पूरे माह भर में हम जो है इसके लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए हैं उसमें लोगों को रैली के माध्यम से, पॉम्पलेट पोस्टर के माध्यम से, स्कूलों में, कॉलेजों में जो प्रतियोगिताएं होती हैं मलेरिया की उसके अनुसार से हम लोगों को जागरूक करेंगे, और हमारा रिक्शा भी निकलेगा जिसमें हम नगर निगम को निवेदन करेंगे कि उस रिक्शे में जो निकलता है उस गाड़ियों में लोगों को। वही जिला मलेरिया कार्यक्रम अधिकारी CBS बंजारे ने मलेरिया रोधी माह के दौरान चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि मलेरिया से प्रतिवर्ष कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके लिए बचाव के उपाय करना जरूरी है। इस दौरान मलेरिया से बचाव के मकसद से लोगों को पॉम्पलेट्स का भी वितरण किया गया, साथ ही न्यूज टीम के माध्यम से लोगों को अपील करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई। राज्य शासन के निर्देश अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, जिसके तहत हर साल जून माह में 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे 30 दिन का कार्यक्रम चलता है मलेरिया माह मनाने का, उस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे CMHO कार्यालय जिला मलेरिया कार्यालय के माध्यम से रैली निकाली गई, जिसमें जो फील्ड के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा साथ में हम प्रचार प्रसार के माध्यम से माइकिंग और पम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से सभी जगह लोगों को पम्पलेट प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ में जहाँ जहाँ जो नाली है, गंदा नाला है या नाली, वहाँ पे गंबुलिया मछली डालते हैं, और साथ में जो छोटी नाली है उसमें होम स्प्रे कराते हैं, जिसमें मेलाथियन का छिड़काव कराते हैं। दिन के समय सवेरे 5 से 7 बजे और शाम को 6 से 8 बजे के बीच फॉगिंग कराते हैं, जिसमें वयस्क मच्छर की नष्ट करते हैं। साथ में जो नालियाँ रहते हैं उसमें हम लार्वा साइड शोध नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लार्वा के लिए मेलाथियन का छिड़काव करते हैं, जिसके लिए हमारे नगर निगम के पूरे कर्मचारी इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे मलेरिया के कर्मचारी इन्वॉल्व रहते हैं, और BSP से और कुछ DMF फंड से कर्मचारी हम लेते हैं, जो पूरे घर घर जाके कूलर में जो पानी जमा रहता है उसकी जांच करते हैं, फ्रिज के पीछे भाग में जो ट्रे रहता है उसमें जांच करते हैं, जहां पानी का जमाव होता है वहां जांच करते हैं, वहां पे कूलर में टेमीफास की दवाई डाली जाती है, जिससे किसी प्रकार का मच्छर हो, चाहे मलेरिया का मच्छर हो या डेंगू का मच्छर हो या फाइलेरिया का मच्छर हो। तो यह हमारा बेसिक उद्देश्य है स्रोत नियंत्रण कार्यक्रम, जिसके तहत लार्वा से लेकर वयस्क मच्छर तक को मारने का कार्यक्रम रहता है, और साथ ही जिस प्रकार से मलेरिया के कोई भी बुखार हो तो उसको मलेरिया मानते हुए हम सभी का स्लाइड बनाते हैं, डेंगू के लिए डेंगू की जांच करते हैं। तो ये दोनों काम हमारा साथ साथ चलेगा। बेसिकली हमारा मलेरिया माह है
तो जितने रक्त पट्टी खून की जाँच बनाते हैं उसमें जो भी बुखार है तत्कालिक दवाई की व्यवस्था ये सब हमारे द्वारा किया जाता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है महत्वपूर्ण योजना है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, जिसके तहत हमारा दुर्ग जिला अभी पिछले 6 महीने में 34 केस हमको मिला है। तो हमारा इस माह जो है विशेष सघन अभियान चलेगा घर घर जाकर और मितानिन के माध्यम से ग्रामीण अंचल में शहर में जो हमारे वर्कर्स हैं उनके माध्यम से अधिक स्लाइड बनाएं और अधिक से अधिक रोकथाम के लिए छिड़काव करें, फॉगिंग करें और मलेरिया मुक्त। साथ में हम सब आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि मच्छरदानी को उपयोग करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हम सब ने यहाँ ठाना है, हम सब ने यहाँ ठाना है।